So yesterday I gave you homework of this question, yeah, that you have to arrange these in the increasing order of, right? First को हमने negative electron gain enthalpy, second को ionic size, third is the second ionization energy, and the last one is size. हाँ जी. So tell me what can be the order for the first. सबसे ज्यादा negative electron gain enthalpy. पर क्योंकि हमने increasing order में arrange करना है तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा की बात नहीं करेंगे, पहले हम किसकी बात करेंगे, कम किसकी. ओके, तो सबसे कम किसकी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. कल हमने पढ़ा था विद साइज जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट. तो आयोडीन की सबसे कम होगी, देन कम्स द सेकेंड इज ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन. Is this order correct or not? हाँ जी, tell me बेटा, is this order correct or not? क्या मैंने ये order ठीक लिखा है? मैंने ये order ठीक लिखा है बेटा? Yes, no. यस ख्याति, क्लोरीन हैज द लार्जेस्ट, क्योंकि हमने ये चीज कल ही डिस्कस की है अभी, राइट, वी डिस्कस दिस थिंग यस्टरडे. तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, दो उसका साइज बड़ा है बट फिर भी क्लोरीन की कम है एंड क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज कम होने के कारण, तो वो फैक्टर यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर. Now coming to the second one. Second is the ionic size. So very easy. अब cations and anions हैं. और हमें पता है कि anions का size ज़्यादा होगा और cation जितना ज़्यादा cation के ऊपर charge होगा उतना ही उसका size जो है वो कम होगा. ठीक है? तो positive वाले ये दोनों हैं पहले. तो इसका charge ज़्यादा है. So that means इसका size जो है वो ज़्यादा कम होगा. फिर आ जाता है Na positive. Coming to the next now. अब हम anions पे जा रहे हैं. Anions में जिसका negative charge कम है उसका size as compared to दूसरे के कम होगा, ठीक है. तो पहले F negative आएगा, then O2 negative, then N3 negative. So this is the order for the second. ठीक है जी, अब third की बात करते हैं. CNOF, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? उससे पहले ये डिस्कस कर ले, मुझे स्पेस मिल जाएगी थोड़ी सी ज्यादा. अगेन सेम है, ठीक है, बी आर पॉजिटिव, देन बी आर एंड बी आर नेगेटिव. तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही ये ऑर्डर, ठीक है. ओके, कैटायन का कम होता है, न्यूट्रल एटम से एनायन का ज्यादा होता है. तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया. अब इसकी बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर दी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. अब इनके लिए हमें सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है. तो कार्बन की 1s2 2s2 2p, ठीक है. नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ओके, एंड फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5, ठीक है. हाँ जी, ठीक है. अब हम इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हम बात करते हैं. Here it will be 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है. हाँ जी, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी कि हम अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी है. दिस इज 2p3, दिस इज 2p3. कैन यू सी दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो इसका मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी. अब हमने ज्यादा वाला देख लिया है. उसके बाद अब बचे हैं सी एन और एफ.
अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, यहाँ पे कोई फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का केस नहीं है। तो अब हम अपना जनरल ट्रेंड एक्सप्लेन करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किधर को इंक्रीज होती है। तो इफ यू नो आयनाइजेशन एनर्जी इधर को बढ़ती है, ठीक है, ये भी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी इट इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। तो अब इसको निकाल देते हैं, बाकी क्या बच गया मेरे पास, आई एम हैविंग फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, तो फिर फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की एंड लास्ट में कार्बन, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर, राइट, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब पहले फटाफट से एक दो टॉपिक्स हैं हमारे, हम वो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वी विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, ओके। तो एक बार पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस, एक्सेप्शन वाली चीज आ गई है, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब एनोमली कहां पर आई है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में, एक्सेप्शन कहां पर आई है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। इफ आई राइट डाउन, तो दे आर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेव कर रहे हैं, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी लिख देते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। अब ये एनोमली कहां पर शो करते हैं, कहां पर इनकी एक्सेप्शन चलती है, सो ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, आपको पता है ना कि फर्स्ट वाले का साइज जो है वो बहुत छोटा है, राइट, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे आर हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, राइट, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है इनके लिए, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो फर्स्ट वाले सेकेंड पीरियड के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो सेकेंड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, जबकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होने के कारण, मेटल्स होने के कारण, इनको तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करने चाहिए थे, दे मस्ट बी फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स, बट एक्चुअली दे आर फॉर्मिंग, अगर मैं स्पेसिफिकली लिथियम की बात करूं तो लिथियम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। Now why it is happening? ठीक है, यही हम किसमें लेते हैं, एक्सेप्शन में लेते हैं। तो ये एक्सेप्शनली बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों बिहेव करता है, क्यों जो सेकेंड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, why they are showing this character, right? तो the simple reason is डायगोनल रिलेशनशिप। द रीजन इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल का मतलब यहां पर क्या है कि ये जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जो सेकेंड पीरियड के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं, वो क्यों ऐसे एक्सेप्शनली बिहेव कर रहे हैं, साइज छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट, उनकी जो एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दे आर क्वाइट हाई एंड दे लीड टू द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। सो द रीजन इज दैट दे शो द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट डायगोनली। जैसे लिथियम जो है वो सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलर शो करता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ शो करेगा, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, सिमिलरली जो बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर शो करता है, एंड दिस इज एग्जिबिट बाय द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली अपने दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, सिमिलर रिलेशनशिप शो करते हैं, एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप, दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर डायगोनली, ठीक है। Now coming to the next point, अगर मैं इन specifically P block elements की बात करूं, अगर मैं P block elements की बात करूं, कार्बन है, कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस,
ठीक है। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर हम मल्टी बॉन्ड फॉर्मेशंस की बात करते हैं। जैसे आप 10th तक कार्बन के बॉन्ड्स पढ़ के आए हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। हाँ जी, पढ़ के आए ना हम, ठीक है। सिमिलरली जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, इनका साइज तो बहुत ज्यादा छोटा है, इनके पास वो ऑर्बिटल्स भी नहीं है जहां पर ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर सके। ओके, सो दिस एनोमली इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या कहते हैं कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो अपने साथ वाले एलिमेंट्स के साथ बिहेव नहीं करते हैं, जो नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं और वो भी डायगोनली जो प्रेजेंट है उनके साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं, ठीक है। अब लिथियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं लिथियम की कॉन्फिगरेशन लिखूं तो इट विल बी 1s2 2s1, ठीक है। यही अगर मैं मैग्नीशियम के लिए लिखूं 12 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो इसमें 2s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें 3s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ऑर्बिटल ही पूरा चेंज हो गया है। उसमें छोटा था 2s वाला था, उसमें 3s आ गया है। ऐसे ही अब जो लिथियम है, राइट, अब 2s की बजाय, अब लिथियम जो है वो 2s की बजाय इट विल बी शोइंग एज इफ इट इज हैविंग अ 3s ऑर्बिटल। तो ऐसे वो प्रॉपर्टीज जो है वो बिहेव कर जाती है। तो सिमिलरली जैसे बोरोन और सिलिकॉन की भी आप एग्जांपल लिखो तो बोरोन के पास तो p ऑर्बिटल्स नहीं है, बट जब आप सिलिकॉन की कॉन्फिगरेशन लिखते हो तो उसमें p ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट हो जाता है कि वहां पर ऐसे प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं जैसे दे आर रिलेटेड टू द डायगोनल एलिमेंट्स, तो इनके कारण ही हम इनकी ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डायगोनल रिलेशनशिप, क्यों लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेट कर रहा है बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, see if we studied about the trends of all the properties that we have discussed so far, सबसे पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की कि वो इस तरफ इंक्रीज करती है और इस तरफ डिक्रीज करती है। Then we talked about the electron gain enthalpy. Again वो इस तरफ इंक्रीज करती है और इस तरफ डिक्रीज कर रही है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द आयनिक रेडियाई और सिंपली एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, रेडियाई ही ले लेते हैं, तो इधर को इंक्रीज कर रहे हैं, इधर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर शोइंग देयर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज। So when we move diagonally, जब मैं diagonally move करती हूँ ऐसे, when I move diagonally, तो ये सारी properties जो हैं वो cancel हो जाती है। यानी कि अगर इधर को ये increase कर रही है और इधर को ये decrease कर रही है तो diagonally ये दोनों एक दूसरे को cancel out कर देंगे, ठीक है। तो cancel out होने के कारण they are showing their properties similar to the next period elements. ठीक है, सो इसीलिए क्योंकि वो डायगोनली रिलेट कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द नेक्स्ट पीरियड एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगेन एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो हमने याद रखना है दैट दिस इज लिमिटेड टू द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अब कुछ छोटे छोटे से ट्रेंड्स रह गए हैं, जैसे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि मेटालिक कैरेक्टर किस तरफ इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस तरफ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ इंक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर को इंक्रीज होगा। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, डैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और पी ब्लॉक वाले ही एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, दे आर एक्सेप्टिंग इन नेचर,
तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इधर को बढ़ेगा, इधर को कम होगा, मेटेलिक करेक्टर इधर को बढ़ेगा एंड इधर को कम हो जाएगा, राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर्स, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर्स। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? यू हैव स्टडीड दिस इन योर 10th स्टैंडर्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, बोलिए बेटा। सो इफ वी टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब काम करना, क्या काम करता है ये? ये दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है? दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है, राइट? इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। अगर यही मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, तो एजेंट है कौन सा काम कर रहा है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का, और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी मैंने आपको मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स की बात की है, तो उस वे से मुझे बताओ, राइट? सो मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे या नॉन मेटल्स? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेंगे? मेटल्स करेंगे, राइट? सो मेटल्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो मेटल्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके? तो नॉन मेटल्स जो होंगे दे विल बी द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मेटल नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है? तो यही अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? दैट इज सोडियम, ओके? एंड सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? दैट इज क्लोरीन, ओके? तो क्लोरीन की मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और सोडियम की मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ओके? तो ये वैसे चीजें आप 10th में पढ़ के आए हो, राइट? सो एक तरह से बस रिवीजन ही है। सो नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, दिस आल्सो यू हैव स्टडीड। बट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, जैसे Na, सोडियम का जो आप ऑक्साइड लिखोगे तो वो क्या होगा? Na2O, राइट? एंड दैट इज बेसिकली बेसिक इन नेचर। तो हम ये कैसे वेरीफाई करते हैं? वी रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर के साथ ये बेस दे देता है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर दिस इज एन एसिड और अ बेस, ठीक है? तो वाटर के साथ जब रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। और सिमिलरली अगर आप बात करो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर, okay? So like I talk about the oxide of chlorine, Cl2O7, ठीक है? Again अगर हमने check करना है whether this is showing acidic or basic character, right? So the reaction with the water will be done and this is going to give you HClO4. This is perchloric acid. This is perchloric acid, ठीक है? So इसने जब वाटर के साथ रिएक्शन की तो एसिड दे गया, दैट मींस द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है? तो इस सेम कंटेक्स्ट में ही अगर मैं बात करूं सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, राइट? सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स दे विल बी बेसिक इन नेचर, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात करें सो दे आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है?
those oxides that can show both basic and acidic characters. ठीक है, amphoteric oxides कौन से होते हैं जो दोनों acidic और basic character show करते हैं. जब उनकी reaction हम base के साथ करेंगे तो वो खुद को as acid मान के reaction करते हैं. ठीक है, उसके साथ. And when we are going to react them with the acid, तो वो खुद जो है वो basic character show करके उस acid के साथ reaction करते हैं. ठीक है, so those oxides we called as amphoteric oxide. या आगे पढ़ोगे जैसे water को हम amphoteric लेते हैं. ठीक है, water it can behave both as acid and base. ये हम आगे पढ़ेंगे, right? उसके बाद अगर आप बात करो phosphorus के, P2O5, right? Cl2O7, chlorine के, ये हो जाते हैं acidic. So these oxides they are acidic in nature. अगर आप सल्फर की भी बात करो SO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर. सो दीज ऑल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके, सो दिस इज हाउ द ट्रेंड दे आर शोन. बेटा मेटलॉइड्स हमने याद रखने हैं फ्रॉम द 13 ग्रुप. ठीक है, 13th ग्रुप जब हम स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट होता है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से. ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आता है एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम. ठीक है, ये मैंने आपको कल बताए हुए हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड. ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ. ओके, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूनियम एंड पोलोनियम. ओके, तो हमने याद रखना है ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, दीज एलिमेंट्स दैट आर मार्किंग. ठीक है, तो ये जो है ये दोनों कैरेक्टर्स शो करते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम एज मेटलॉइड्स. ठीक है, ये आई गेस मैंने नहीं बताया है आपको. तो दे बिहेव बोथ एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो दैट्स व्हाई वी club them in the property of metalloids. So boron, silicon, okay, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium. So they are metalloids. Okay, ये हमने याद रखना. चलिए, we have finished the chapter now. Okay, so let's discuss some of the questions. Among the following elements, I am going to give you the elements as boron, aluminium, silicon, and carbon. You have to tell which is having the first ionization energy as highest. Highest किसकी है? ठीक है? Most negative electron gain enthalpy किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा negative किसकी है ये बतानी है आपने. सबसे ज्यादा साइज किसका है एंड सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है? तो मैंने सारे ज्यादा ज्यादा ही पूछे हैं आपसे. ठीक है, चलिए स्टार्ट डूइंग एंड गिव मी द आंसर. यस अंजलि, फर्स्ट इज कार्बन. तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, देन कार्बन. ठीक है, कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन. तो ये एलिमेंट्स कुछ ऐसे अरेंज्ड हैं. ठीक है, अब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है, तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इधर को इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन की. हाँ जी, सेकंड, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कौन होगा? कार्बन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो सेम ट्रेंड फॉलो करती है, राइट, अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस. सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज, और यू कैन से दैट द एलिमेंट विच इज हैविंग मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज कार्बन. द थर्ड वन, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है? दैट इज नॉट एल्यूमिनियम. दिया एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखो,
एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से किसका ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमें पता ही है उनका साइज छोटा है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से साइज किसका ज्यादा होगा? सिलिकॉन का ज्यादा होगा क्योंकि उसमें नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है, नए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी एडेड अप। ओके, सो न्यू इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी एडेड अप इन द सिलिकॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज विल बी हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? हाँ जी, कौन सबसे ज्यादा गुड मेटल होगा? एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम विल बी अ गुड मेटल, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यू हैव टू टेल आउट ऑफ स्ट्रॉन्शियम एंड बेरिलियम which is having lower ionization energy, the first ionization energy, ठीक है, silicon और phosphorus में more non-metallic character किसका ज्यादा है? magnesium और strontium में से atomic radius किसका ज्यादा है? राइट, ब्रोमीन और आयोडीन में से मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? चलिए हाँ जी बेटा बोलिए आंसर। सबसे पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, स्ट्रॉन्शियम की या बेरिलियम की? स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा है या बेरिलियम की? अब अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है। तो इसमें बताओ मुझे बेरिलियम की ज्यादा होगी या स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा होगी? सॉरी कम पूछा हमने, कम किसकी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ कम होती है, तो जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो किसकी कम है बेटा? स्ट्रॉन्शियम की, ठीक है, तो स्ट्रॉन्शियम इज हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, विच इज हैविंग मोर मेटालिक कैरेक्टर, तो इसको भी जब हम अरेंज करते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, सिलिकॉन और फास्फोरस की बात की है, तो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर को इंक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड, तो सिलिकॉन और फास्फोरस में से किसका ज्यादा होगा? इट विल बी वेरी हाई फॉर द फास्फोरस, हाई एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करें बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द स्ट्रॉन्शियम, ये रहा मैग्नीशियम है और ये रहा स्ट्रॉन्शियम है। अब देखो अगर आपको पता होंगे डेट हाउ दे आर अरेंज्ड इन पीरियड एंड ग्रुप, तो आंसर्स दे आर नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। हमें पता है ट्रेंड, हमें सारे पता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, तो नीचे सबसे ज्यादा कौन है? स्ट्रॉन्शियम है, सो स्ट्रॉन्शियम विल बी हैविंग हाई एटॉमिक रेडियस, ये रहा आपका आंसर। ज्यादा या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? अब ब्रोमीन और आयोडीन गिवन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये ऐसे अरेंज्ड हैं। तो हमने इनको पीरियड के वाइज ट्रेंड देखना है, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, तो दैट मींस व्हिच इज हैविंग मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, ठीक है। So this is how we are going to arrange these elements or how we are going to classify them according to their different properties. ठीक है, so that's why periodic table learn करना जरूरी है, ये तभी possible है answer देने, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया period का trend बात कर रहे हैं या group में trend की बात कर रहे हैं, ठीक है, so answers they are very simple,
बट ये चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहले हम. ओके सो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स टुमारो. ठीक है, थोड़ी सी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. ओके आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ.